कांग्रेस सरकार ने ब्यावर को जिले की सौगात क्या दी। विधानसभा में कांग्रेस की जीत के दावे लिए हुए दावेदारों की भीड़ लग गई। विधानसभा से 24 कांग्रेस दावेदारों ने खुद को जीत का योद्धा बताया। न केवल प्रदेश स्तर बल्कि आलाकमान के दफ्तरों तक जीत का समीकरण लिए दावेदारों की चहलकदमी शुरू हो गई। यहां तक सब कुछ ठीक था, लेकिन ब्यावर में सीएम की सभा के बाद स्पष्ट चुनावी मायने सामने आ गए, जिसने कई दावेदारों को अपने आईने भी दिखा दिए। सूबे का मुखिया बादल बनकर ब्यावर की धरा पर तो उतरा, लेकिन ब्यावर का चुनावी मौसम बनाकर चला गया। बादल से उम्मीद तो बरसात की थी, लेकिन दावेदारों पर मिलन की चुनावी बरसात बरस नहीं सकी और कई दावेदारों ने तो अपनी भूमि को बंजर मान अंतर्मन ही किनारा कर लिया। हेलीपैड से लेकर सभा स्थल और सभा स्थल से लेकर वापस हेलीपैड तक का सफर मानो सियासी भविष्य को नापने का यंत्र हो। सारे पैमारे सटीक खड़े नहीं उतरे और मंच के नीचे खड़े कांग्रेसी योद्धा बिना अपना दमखम दिखाए चुनावी भूमि से दूर हो गए। कुछ को तो कांग्रेस की चुनावी ट्रेन में कंफर्म सीट की उम्मीद थी, इसलिए वेटिंग टिकट पर ही पांडाल में चुनावी सफर का ऐलान कर दिया। अपने नाम की छाप लिए तख्तियां दिखाकर भीड़ लाने का दावा किया गया। हालांकि जिले की सौगात मिलने के बाद जिले भर से की जा रही उम्मीद पर निराशा ही हाथ लगी। ब्यावर, चितारण, रायपुर, बदनो, टाटगढ़, मसूदा सहित कई अन्य गांवों कस्बों से भीड़ को बड़ी संख्या में लाया जा सकता था, लेकिन समय की मार कहा जाए या भावी उम्मीदवारों की उदासीनता, ये आप तय कीजिए। लेकिन सीएम की सभा के मायने दावेदारों को आईने दिखाने के बराबर है। यही कारण रहा कि सीएम महज 2 से 3 दावेदारों का ही अभिवादन स्वीकार कर पाए। कड़ी सुरक्षा और अलग अलग पॉइंट पर मिलने की भागम भाग में सीएम से दावेदारों से नैना मिल नहीं सके और जमीन पर उतरा उम्मीद का बादल देखते ही देखते वापस आसमान में उड़ गया।